अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम सीखेंगे हम कैसे अपने ब्लॉग के अंदर ऑथर नेम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आपको सारी समझ आ सके आप ये काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग के अंदर लॉग इन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने ब्लॉग के अंदर आ जाते हैं, हम यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिक। जैसे दोस्तों आप बेसिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एंड के ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आता है ब्लॉग ऑथर्स, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरा नेम लिखा हुआ है अहमद। तो दोस्तों अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं दोस्तों नीचे आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आएगा यूज़र सेटिंग्स। तो जैसे दोस्तों मैं यूज़र सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको जनरल सेटिंग्स के अंदर यूज़र प्रोफाइल, यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, लैंग्वेज ऑन ब्लॉगर डॉट कॉम और ये डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों नेम चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा जैसे कि प्राइवेसी और ये सब चीज़ें। अगर तो दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल को शो करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप नहीं शेयर करना चाहते तो आप इसको अनटिक कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा डिस्प्ले नेम। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले नेम के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर अपना नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अहमद लिखा है, मैं यहाँ पर सैयद लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सैयद लिखता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि प्रोफाइल फोटो का होगा। अगर आप फोटो चेंज करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों हम यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जब आप बेसिक के ऊपर वापस जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई फोटो नहीं है। तो यहाँ पर आके हम फोटो भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको होम पेज, URL और ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या काम करते हैं ये सब चीज़ें, और जितनी भी दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों आप सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों जो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल वो अपडेट हो चुकी है। अब दोबारा हम वापस अपने ब्लॉगर के ऊपर आएंगे। ब्लॉगर के ऊपर आने के बाद दोस्तों हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे दोस्तों हम रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद दोबारा हम बेसिक के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास ये चेंज हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लॉगर का ऑथर नेम था वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ब्लॉगर का ऑथर नेम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।